ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी वैशाख मास में पीपल सींचने की कहानी। आइए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक बार की बात है, किसी गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। दोनों बहुत गरीब थी। वो दोनों एक सेठ के यहाँ पर अपना पेट पालने के लिए काम किया करती थी। सेठ के यहाँ पर जाती, झाड़ू पोछा करती, बर्तन वगैरह करती, आटा पीसती और इस तरह से उनके यहाँ पर काम करती। और काम करने के बाद सेठानी उनको वापस घर आते समय दो मुट्ठी अनाज दे दिया करती। इस तरह से उन दोनों का जीवन चल रहा था। इसी तरह से काम करते करते उनको दिन, महीनों और वर्षों बीत गए। वो दोनों अपनी इस गरीबी से बहुत ही दुखी रहती, पर वो समझ ही नहीं पाती कि हम क्या करें और कैसे इससे पीछा छुटाए। एक दिन माँ और बेटी दोनों सेठ के यहाँ पर काम करने गई। दोपहर के समय में जब उनका काम खत्म हो गया और वे अपने घर पर वापस आने लगी, तब सेठानी ने उन्हें दो मुट्ठी चने की दाल दी और कहा कि इसे लेकर जाओ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोनों माँ बेटी उस दाल को लेकर घर के लिए निकल गई। जब वो दोनों रास्ते में जा रही थी तो उस दिन चैत्र माह की पूर्णिमा थी, इसीलिए धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी। उन दोनों को गर्मी लगी तो वो दोनों आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ की छाया में बैठ गई। उस माँ ने सोचा कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तब तक इस दाल को साफ़ कर लेती हूँ। उसने दाल निकाली और उसको साफ़ करने लगी तो देखा कि इसमें तो घुन लगे हुए हैं। उसने सोचा कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, न जाने मैंने कौन से बुरे कर्म किए हैं जो मुझे इस तरह से दुख भोगने पड़ रहे हैं। वह वहाँ पर बैठकर अपने भाग्य को कोस ही रही थी कि विष्णु भगवान ने सोचा कि चलो इनकी कुछ मदद करते हैं। ऐसा सोचकर विष्णु भगवान एक साधु का वेश बनाकर उनके समीप आए और बोले कि बेटी क्या हुआ, तुम इतना दुखी क्यों हो? तब वह बोली कि साधु महाराज, क्या बताऊँ, मैंने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे इतनी गरीबी है। अब तो मेरी बेटी भी बड़ी हो चली है, मैं इसकी शादी कैसे करूंगी जब मैं इसे दो वक्त का खाना भी नहीं दे सकती? न जाने मैंने कौन से बुरे कर्म किए हैं जिनका फल मुझे अब भुगतना पड़ रहा है। हे साधु महाराज, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे कृपया करके बताओ, जिससे कि हमारी गरीबी दूर हो जाए और हम सुखपूर्वक रह सके। तब साधु महाराज बोले कि बेटा, निराश मत हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुम उसको श्रद्धा पूर्वक करोगी तो अवश्य ही तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तब वो बोली, ठीक है महाराज, आप बताओ। तब साधु बने हुए विष्णु भगवान कहने लगे कि कल से वैशाख मास शुरू हो जाएगा, तो तुम ऐसा करना कि प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना और सूर्योदय से पहले ही स्नान करके माँ और बेटी दोनों ही पीपल में जल चढ़ाना और विष्णु भगवान की कथाएं सुनना, और जितने भी रविवार आए पूरे वैशाख के माह में उनका व्रत करना, और रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जल नहीं चढ़ाना, उस दिन आंकड़े के पेड़ को पूजना, और रविवार के दिन सूर्य भगवान की कथाएं भी सुनना, और रविवार के व्रत में नमक ग्रहण नहीं करना। उस दिन तुम्हें फीका भोजन करना है, और ध्यान रखना तुम पीपल पूजा करो या फिर आंकड़े की पूजा करो, लेकिन मन में पूरी श्रद्धा बनाए रखना। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब माह के अंत में पूर्णिमा तिथि आए तो पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को यथासंभव दक्षिणा देकर भोजन कराना और प्रसन्नचित होकर उनको विदा करना, फिर देखना कि तुम्हारा भाग्य कैसे बदल जाता है। इतना कहकर साधु बने हुए विष्णु भगवान वहाँ से चले गए और दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। साधु महाराज से यह बातें सुनकर माँ और बेटी दोनों प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर अपने घर पर चली गई। उस रात को उन दोनों को ठीक से नींद भी नहीं आई, क्योंकि अगले दिन वैशाख माह शुरू हो रहा था। फिर अगले दिन वो दोनों सुबह सवेरे जल्दी उठ गई और सूर्योदय से पहले ही स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष को सींचने के लिए जल लेकर पीपल के वृक्ष की तरफ चल दी।
वहां जाकर उन दोनों ने पीपल के वृक्ष के नीचे चारों तरफ से साफ सफाई की और वहां पर जल चढ़ाया। फिर विष्णु भगवान की कथा सुनी और पीपल वृक्ष की परिक्रमा की। वे अच्छे से पूजा करने के बाद वे अपने घर पर आई। अब तो वो दोनों नियमित रूप से पहले पीपल के पेड़ को सींचने जाती, उसके बाद सेठ के यहाँ पर काम करने जाती। और जिस दिन रविवार आता तो दोनों माँ बेटी रविवार के व्रत रखती और रविवार के दिन आकड़े के पौधे की पूजा करती और रविवार के दिन सेठानी उन्हें जो भी खाने के लिए देती वो उस अनाज को एक मटके में डाल कर रख देती। ऐसा करते करते पूरा वैशाख का माह बीत गया। जिस दिन पूर्णिमा का दिन आया तो दोनों ने उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर पहले अपने घर की सफाई की और फिर जल लेकर माँ और बेटी पीपल के वृक्ष को सींचने के लिए चल दी। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने पीपल के वृक्ष के नीचे जो पत्ते गिरे हुए थे उनको इकट्ठा करके उनकी छोटी छोटी ढेरियाँ बना दी। फिर जब वे ढेरियों को उठाने लगी तो वहाँ पर वही साधु महाराज आए और वो साधु महाराज बोले कि बेटी, इन ढेरियों को तुम अपने घर पर लेकर जाना और घर में ले जाकर अलग अलग कोनों में रख देना। तो माँ और बेटी ने वैसा ही किया। उन्होंने पीपल देव की पूजा की, परिक्रमा की, फिर उन पीपल के पत्तों की ढेरियों को उठाकर अपनी चुन्नी में बांधकर घर पर ले आई और घर पर लाकर उन्हें अपने घर के कोनों में हर जगह रख दिया। और जो दो मुट्ठी अनाज उन्हें हर रविवार को मिलता था उनको इकट्ठा करके जितना भी अनाज हुआ उन सब से उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करा दिया और फिर सेठ जी के घर पर काम करने चली गई। जब वो दोनों शाम को आई तो घर आकर सो गई और सुबह उठकर देखा तो जो पत्तों के ढेर उन्होंने अपने घर के कोनों में जगह जगह पर रखे थे वो सभी हीरे मोती और जवाहरात के बन गए हैं। वो सभी चमक रहे हैं। कोई ढेरी अन्न की है, कोई ढेरी धन की है। यह देखकर उन दोनों को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। माँ और बेटी बहुत खुश हुई और भगवान विष्णु के गुणगान करने लगी और उस धन को समेटने में लग गई। उस दिन वो दोनों सेठ के यहाँ पर काम करने नहीं गई। उनका पूरा दिन अन्न और धन को समेटने में चला गया। इस तरह से अब वह अगले दिन भी सेठ के घर पर काम करने नहीं गई। 2-3 दिन इसी तरह से निकल गए। तब सेठानी ने सोचा कि क्या हुआ, वो दोनों माँ बेटी काम पर क्यों नहीं आ रही है। ऐसा सोचकर सेठानी ने अपने घर पर काम करने वाले एक लड़के को उनके घर पर भेजा और कहा कि जाकर देख कर आओ वो दोनों काम पर क्यों नहीं आ रही है। जब वह लड़का वापस सेठानी के पास गया तो उसने बताया कि सेठानी जी, उनके यहाँ पर तो अन्न और धन के भंडारे भरे पड़े हैं। अब तो उन्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके दो कमरे थे उनकी जगह अब बड़ा सा महल बन गया है। पता नहीं क्या बात है और यह सब कैसे हुआ है। यह बात सुनकर सेठानी बोली कि मैं खुद ही उनके घर जाकर देखूंगी। ऐसी क्या बात है। जब सेठानी उनके घर पर आई और उसने देखा तो वहां पर सचमुच में घर की जगह महल खड़ा हुआ है और उनके घर पर अन्न और धन के भंडारे भरे पड़े थे। सेठानी ने उनसे कहा कि तुम्हें इतना धन कैसे मिला है, अचानक से तुम इतने अमीर कैसे हो गए हो। तब माँ बेटी ने सेठानी को बूढ़े ब्राह्मण की और वैशाख में पीपल सींचने की सारी बात उससे कह सुनाई और श्रीहरि विष्णु की कृपा की भी उनसे बात कही। तब सेठानी बोली कि वैशाख स्नान की क्या विधि है, मुझे भी बताओ, मैं भी यह क्या करूँगी। फिर उन दोनों माँ बेटी ने जैसे साधु महाराज ने बताई थी वैसी ही पूरी विधि सेठानी को कह सुनाई। उसके बाद सेठानी अपने घर पर चली गई। फिर अगले वर्ष जब वैशाख का मास आया तो सेठानी भी सुबह सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर अपनी नौकरानी को लेकर पीपल सींचने के लिए चली गई। सेठानी शरीर में थोड़ी मोटी थी तो सेठानी से बैठकर पीपल देव की पूजा नहीं होती थी। तब सेठानी अपने पास खड़ी हुई अपनी नौकरानी से कहने लगी कि तुम ही मेरे नाम का जल चढ़ा दो। तब नौकरानी बोली कि सेठानी जी, यदि आप जल चढ़ाओगी तो ही आपको फल मिलेगा। मेरी पीपल पूजा करने और मेरे जल चढ़ाने से आपको फल नहीं मिलेगा। तब सेठानी बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरा नाम लेकर जल चढ़ा दो।
नौकरानी ने वैसा ही किया। उसने पूरी श्रद्धा से विष्णु भगवान का नाम लेकर और पीपल देव की पूजा करके पीपल देव को जल चढ़ाया। फिर जब परिक्रमा करने की बारी आई तो सेठानी ने एक दो परिक्रमा की और फिर बोली कि तुम ही मेरे नाम से परिक्रमा कर दो। तब नौकरानी बोली कि ठीक है सेठानी जी, और नौकरानी ने पूरी श्रद्धा से पीपल देव की परिक्रमा की और श्रीहरि के नामों का जाप किया। इसी तरह से सेठानी की जगह रोजाना ही वह नौकरानी पूजा करती। पूरा वैशाख का माह इसी तरह से बीत गया और जब वैशाख की पूर्णिमा आई तो सेठानी नौकरानी से बोली कि भाई जल्दी जल्दी खाना बना दो और ब्राह्मणों को भोजन करवा दो। और उसने ऐसा ही किया, खाना बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया। फिर जब पीपल पूजा करने गई तो नौकरानी से कहा कि यहाँ पर जितने भी पत्ते हैं सबको इकट्ठा कर लो और घर पर लेकर चलो। नौकरानी ने वैसा ही किया। पीपल पूजा करने के बाद सारे पत्तों को अपनी साड़ी में डालकर घर के लिए ले आई और सेठानी ने उन सभी पत्तों को घर के हर जगह कोनों में, छत पर, रसोई में, हर जगह पर रखवा दिया। वहाँ से जब नौकरानी पीपल के पत्ते लेकर आई तो उसकी साड़ी पर कुछ पत्ते लगे रह गए। वह अपने घर चली गई और अपने घर जाकर उसने जब घर का काम किया तो वे पत्ते उसके घर में ही कहीं कहीं पर गिर गए। उधर सेठानी सोच रही थी कि कल सुबह तो मैं धनवान हो जाऊंगी। इस तरह से वह रात को खुशी खुशी सो गई और जब सुबह उठी तो देखती है कि हर जगह पर हल्ला हो रहा है, सब लोग चिल्ला रहे हैं। जब वह बाहर आई तो देखती है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा कीड़े और मकोड़े घूम रहे हैं। तब वह पूछती है कि घर में इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू कहाँ से आए। तभी वहाँ पर सेठ जी आ जाते हैं और सेठ जी पूछते हैं कि सेठानी जी, हमारे घर का यह हाल किसने किया है? हमारे घर में इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े कैसे घूम रहे हैं? तो सेठानी जी कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। हमारे घर पर जो पहले माँ और बेटी काम करती थी, मैंने तो उनके ही कहे अनुसार वैशाख स्नान किया और पत्ते लाकर घर में रखे थे। उन्होंने ही कहा था कि वैशाख स्नान करने से धन और अन्न मिलता है। वो दोनों तो धनवान हो गई। उनकी देखा देखी ही मैंने पीपल पूजा की थी और मुझे तो धन के बदले में ये सब मिला है। तब सेठ जी कहते हैं कि सेठानी जी, उन्होंने तो पूरी श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान की पूजा की है और उन्होंने पीपल देवता को सींचा है। आपकी पूजा में कोई श्रद्धा भाव नहीं था, केवल लालच था कि मुझे जल्दी से अन्न और धन मिल जाए। तो इसका परिणाम यह मिला कि आपको इतने सारे कीड़े मकोड़े मिले हैं। तब सेठानी को अपनी गलती समझ आई और उसने हाथ जोड़कर पूरे मन से विष्णु भगवान से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि हे भगवान, इस बार का गुनाह माफ़ कर दो, अगली बार मैं पूरी श्रद्धा से आपकी भक्ति किया करूँगी और हे प्रभु, इस माया को समेट लो। इतना कहते ही विष्णु भगवान की कृपा से वह सब कीड़े मकोड़े दूर हो गए और उनका घर फिर से पहले की ही तरह हो गया। वहीं उधर दूसरी तरफ जो नौकरानी सेठानी के साथ जाती थी और उसकी साड़ी में जो कुछ पत्ते लग गए थे, वो उसके घर में जगह जगह गिर गए थे, वो सब पत्ते हीरे और जवाहरात में बदल गए। जब वह नौकरानी सुबह उठी तो देखती है कि उसके घर में जगह जगह पर हीरे जवाहरात है। वह उन सब को देखकर सोचती है कि यह क्या चमक रहा है और यह यहाँ पर कैसे आया है। तब थोड़ी ही देर में वहाँ पर विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, तेरी सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर तुझे यह वरदान दिया है। तू मेरी पूजा बड़ी ही श्रद्धा से करती थी, इसीलिए ही तेरे घर आंगन और भंडारे सदा ही भरे रहेंगे और तुम्हें सदा ही सुख और सौभाग्य प्राप्त होगा। इतना कहकर विष्णु भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। नौकरानी बहुत प्रसन्न हुई और इस तरह से नौकरानी को भगवान विष्णु की कृपा से धन, अन्न, सौभाग्य और सभी प्रकार का सुख प्राप्त हुआ। वह सौभाग्यवती हो गई और उधर दूसरी तरफ उस बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो गई, जिससे उसकी ज़िंदगी भी खुशहाल हो गई। इस तरह से वैशाख स्नान करने से और पीपल वृक्ष में जल सींचने से मनुष्य को हर प्रकार का सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जब गांव में यह बात पता चली
तो गांव के सभी लोग प्रत्येक वर्ष बैसाख स्नान करते, पीपल में जल सींचते, रविवार का व्रत करते, आकड़े के पौधे की पूजा करते और भगवान विष्णु की कथा कहानियां सुनते। हे श्री हरि, जैसा आपने उन माँ और बेटी को दिया है वैसा ही सबको देना, जैसा सेठानी को दिया है वैसा किसी को नहीं देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए गणेश जी की कहानी, जो कि हर व्रत कथा के बाद कही या सुनी जाती है। एक बार की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और मेंढकी साथ साथ रहते थे। मेंढकी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती और गणेश जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती। मेंढक को उसकी यह पूजा पाठ करना अच्छा नहीं लगता। वह कहता कि तुम दिन भर किसका नाम जपती रहती हो। मेंढक इस चीज़ से बहुत परेशान रहता। एक दिन मेंढक ने गणेश जी की मूर्ति छिपा दी। तब मेंढकी आई और बोली कि मुझे गणेश जी की मूर्ति वापस करो। तो मेंढक बोला कि मुझे नहीं पता वह कहाँ है। इस तरह से एक दो दिन बीत गए। मेंढकी बिना मूर्ति के ही पूरी श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करती रही। फिर एक दिन एक औरत उनके तालाब के पास आई और अपने मटके में पानी भरने लगी। जैसे ही उसने पानी भरा, वैसे ही मेंढक और मेंढकी दोनों उसके मटके के अंदर चले गए। घर ले जाकर उसने वह पानी चूल्हे पर रख दिया और जब पानी गर्म होने लगा तो मेंढक इधर उधर कूदने लगा, परंतु मेंढकी शांति से बैठी रही। उसे देखकर मेंढक ने कहा कि तुम इतनी शांति से क्यों बैठी हो, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है क्या? तब वह बोली कि नहीं, मुझे तो कोई गर्मी नहीं लग रही है, बल्कि मुझे तो यह पानी बहुत ठंडा लग रहा है। तब मेंढक बोला कि तुम गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त हो, आज तुम अपने गणेश जी को बुलाओ, तभी मैं मानूंगा कि गणेश जी तुम्हारे सच में पूजा स्वीकार करते हैं। यह सुनकर मेंढकी ने गणेश भगवान से प्रार्थना की और गणेश जी के नाम जपना शुरू किया। वहीं थोड़ी ही देर के बाद एक सांड आया और उसने उस मटके पर सींग मारा। और जैसे ही उसने मटके पर सींग मारा तो वह मटका टूटकर जमीन पर गिर गया। फिर मेंढक और मेंढकी दोनों बच गए। और फिर घर जाकर मेंढक ने मेंढकी की वह मूर्ति उसको वापस दे दी और उस दिन से वह स्वयं भी मेंढकी के साथ सुबह सवेरे जल्दी उठता, स्नान आदि करके गणेश जी की पूजा करता और फिर दिन भर गणेश जी का नाम जपता हुआ गणेश जी की सेवा में लीन रहता। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप मेंढक और मेंढकी की अड़ी भीड़ में काम आए हो, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होंकारा भरने वाले सबकी अड़ी भीड़ में काम आना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।